हेलो फ्रेंड्स, ए टू जेड रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। मैं संगीता आज आपको आटा मलने के कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत काम आएंगे और जिससे आप आसानी से और बहुत ही कम समय में बहुत ही बढ़िया आटा मल सकते हैं। चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। देखिए, आटा मलने के लिए हमें सबसे पहले आटा लेना है। ये मैंने 20-25 रोटियों का आटा ले लिया है और थोड़ा सा इसमें हमें सॉल्ट डालना है, बस इतना। अब सॉल्ट को अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे आटे के साथ। जी बिल्कुल ऐसे ही। और अब हम क्या करेंगे, जो एक स्पेशल टेक्निक है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, जो मेरी नानी ने मुझे सिखाया था, जिससे आप सेकंडों में ही आटा मल लेंगे बहुत ही जल्दी। सबसे पहले आप बीच वाले पोर्शन को मलिए। ये देखिए, सबसे पहले हम बीच वाले को मल के बीच पे छोड़ देंगे। अब साइड्स वाले पोर्शन जो है आटे का, उसको हम लेंगे और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के बीच में मर्ज कर देंगे। नेक्स्ट, अब ये वाला है हमारा सूखा आटा। यहाँ पे हमें बस हाथों को ऐसे ऐसे गोल गोल करना है, बिल्कुल ऐसे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, उंगलियों को हमें खोलना है तभी हम मल सकते हैं आसानी से। बस एंटी क्लॉकवाइज मलते रहिए और मेन डो के साथ ऐसे मिक्स करते रहिए। ये देखिए, बहुत सी फ्रेंड्स हैं जिनको आटा मलने में दिक्कत आती है और जो सोचते हैं कि काश कोई आटा मल दे, हम तो सिर्फ बना दें, तो उनके लिए ये टेक्निक बहुत अच्छी है। आटा मलना वाकई में एक खेल हो जाता है, बिल्कुल भी आपको प्रेशर नहीं आएगा आटा मलने में, खेल खेल में आप आटा मल लेंगे। ये देखिए, अब जो सूखा आटा जो भी मेरा कॉर्नर में बचा है उसको भी मैं पानी डाल के ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मल लेती हूँ। ये देखिए, बस आपको यही करते रहना है। जितनी बार आपका साइड में सूखा आटा आए उसको आप ऐसे गोल गोल करते रहिए, बिल्कुल ऐसे। और साइड के कॉर्नर के एजेस में जो लगा हुआ है आटा वो भी आप लेते रहिए साथ साथ। अब मेरे पास जो बचा है आटा वो ये है सूखा, ये देखिए। अब इसको भी मैं ले लूँगी, बिल्कुल ऐसे। ये देखिए, अब जो नीचे की तरफ हमारा आटा है उसको भी आप आसानी से ले लीजिए। अब सारे आटे को एक साथ एक कर लीजिए, जो बिखरा हुआ हमारा आटा है थोड़ा थोड़ा मला हुआ जगह जगह पे, सबको आप इकट्ठा कर लीजिए ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे नीचे की तरफ जो हमारा आटा थोड़ा बहुत चुपका रह भी जाता है उसको मेन डो में मिलाने के हम कोशिश करते हैं। देखिए ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और अब हम थोड़ा सा पानी लेंगे, उसको नीचे की तरफ अच्छे से डाल देंगे। ये देखिए, मैंने नीचे डाल दिया और अब आटे के ऊपर भी हम डाल देंगे और इसको ऐसे मुक्के की सहायता से ऐसे मुक्के मारते रहेंगे। ये देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना। एक हाथ से आप थाल को रोटेट करते रहिए, एक हाथ से आप मुक्के मारते रहिए, इसको फिर आप उठा के ऐसे कर दीजिए। ये जो पोर्शन आपका आया है इसको मारिए, इस वाले पोर्शन को मारिए। यकीन मानिए, बिल्कुल आपका चिकना आटा बनके तैयार होगा। ऐसे उठाते हुए जो भी हमारे एंड्स आ रहे हैं, कॉर्नर्स जो हमारे हमेशा रह जाते हैं, ये देखिए, ये वाला, हमें इनको मारना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, सेंटर को तो मारते हैं, कॉर्नर्स को कोई भी नहीं मारता। ये देखिए, ये देखिए, सारा आटा आपके हाथ में आ जाएगा,
अब आपको और इसको बढ़िया करना है, ये देखिए अब हमने इसकी कोई भी जगह नहीं छोड़ी। वैसे तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि आधा कच्चा कर देते हैं आटे को और थोड़ी देर छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट, उससे भी रोटियां फूली फूली बनती हैं। लेकिन मेरे वाले प्रोसेस में आप इंस्टेंट रोटियां बना सकते हैं, आपको ज़रा भी वेट करने की ज़रूरत नहीं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आप आटा मलते हैं मेक श्योर आपने रिंग्स वगैरह ना पहनी हो, क्योंकि रिंग्स में अगर आटा फंस जाता है तो बहुत बुरा लगता है। ये देखिए कितना बढ़िया आटा हमारा लग के तैयार हो गया, ये देखिए बहुत ही स्पॉन्जी है, ये देखिए हाथ भी बिल्कुल साफ हो गया, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये हाथों। अब हल्के हाथों की मदद से अब मैं आपको एक बार लोई दिखा देती हूँ, ये देखिए जी बिल्कुल ऐसे ही। ये देखिए हल्के हाथों की मदद से इसको गोल गोल करना है, बिल्कुल ये बिगनर्स के लिए है, जैसे कोई बिगनर हो उनको रोटी बनाने में दिक्कत आती हो तो उनके लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक है। अब इसे आप डाल दीजिए, अब ये देखिए एक तरफ से जैसे इसका कलर चेंज होगा इसको पलट दीजिए, आधे कच्चे पक्के में ही हमें पलटना है, बिल्कुल ऐसे। अब हमें बारी बारी से इसको रोटेट करना है, घुमाते हुए इसको बनाना है, जैसे ही हम दूसरी रोटी आपकी बेल रहे हैं और साथ साथ इसको आप ऐसे ऐसे करते रहिए, उठाइए मत बेशक, बस आप घुमाते रहिए। इससे क्या होगा, नीचे की रोटी आपकी एक तरफ से पूरी पक जाएगी, ये देखिए ये हमारी पक गई। अब इसको हल्का हल्का गैस पे सेकते हुए बस, ये देखिए जो स्टाइल मैंने आपको बताया है उससे भी आपकी रोटियां ऐसी ही फूली फूली बनेंगी। ये देखिए मैं पीछे से भी आपको दिखा देती हूँ कितनी फूली रोटी बनी है। अगर आपको मेरे आटा गूंदने के ट्रिक्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ आप मुझे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में बताना मेरे ट्रिक्स आपको कैसे लगे, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। इससे क्या होगा, मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ, बाय।